म्यूट कर लीजिए मैम। ये टेबल नोट करनी है, म्यूट कर लीजिए मैम। मैम म्यूट कर लीजिए, डिस्टरबेंस आ रही है काफी। म्यूट हाँ जी, आज मैं आपको थोड़े से फिल क्लियर और इनके फाइंड एंड सिलेक्ट के कुछ यूज यूज बताऊंगा आपको। देखिए, जब भी हम कोई चीज, हमें जैसे कोई भी नंबरिंग ड्रैग करते हैं, लिस्ट सी बनानी होती है, सीरियल नंबर डालने होते हैं, हम कुछ इस तरह से करते हैं। एक दो टाइप किया, ये काला से कर दिया जाए, प्लस का साइन बन जाएगा, इसको क्लिक रखेंगे और ड्रैग करते जाएंगे तो ये इंक्रीमेंटल वैल्यू देता है। इसको यहाँ करते हैं, अगर हमें वैल्यू इंक्रीमेंट में चाहिए होती है तो दूसरा इसका है कि आप सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। जैसे यहाँ पे एक कर रहा हूँ मैं तो आ नहीं रहा, अब मुझे चाहिए कि 1 2 3 हो जाए, तो मैं जब इसको ड्रैग करने लगूंगा तो क्लिक दबा के रखते हो, कंट्रोल साथ में कर लूंगा। अब ये देखिए, ये मेरा जो प्लस का निशान सा आ रहा है, इसके ऊपर एक और प्लस हो गया है, जिसका मतलब है कि ये इंक्रीमेंट करेगा, तो इसमें वैल्यू बढ़ती हुई दिखाई देगी। मैंने पहले छोड़ दिया, उसमें क्लिक दबा के रखेंगे, कंट्रोल प्रेस कर देंगे, ड्रैग कर देंगे, उसके बाद क्लिक छोड़ देंगे। ठीक है, खाली आपको इसी को इंक्रीमेंट करना है। आप बस पहले क्लिक दबा के रखिए, कंट्रोल प्रेस कीजिए, नीचे ले जाइए, क्लिक छोड़ दीजिए, कंट्रोल बाद में छोड़ना। ठीक है जी, अब इसके और क्या ऑप्शन है? ये तो हमारा हो गया, ये तो सिंपल ऑप्शन है, इसको हम कहते हैं फिल। अब जैसे हमें फिल करना है, इसके अंदर फिल पे जाएंगे, फिल डाउन, सेम वैल्यू आपकी फिल कर देगा। 1 2 और डाल दो, अब इसको फिल कर दो, फिल डाउन सेम ही करता है, वैसे इससे नहीं होगा। इसमें कोई चीज आपको आगे ऊपर फिल करनी है, अगर सेम ही चीज आपको फिल करनी है तो F2 दबा के, F2 जैसे प्रेस करेंगे एडिट मोड पे आ जाएगा यहाँ पे। इसको आप मारेंगे कंट्रोल प्लस एंटर, वो भी आपका सेम काम करेगा। यहाँ से फिल फिल अप डाउन, आपका अप डाउन लेफ्ट, ये सब एक ही जैसा काम करता है। इसमें मेन जो देखने वाली चीज है वो है हमारी सीरीज। एक बार आपको सीरीज दिखाता हूं, जैसे मैंने यहां, इसमें जाएंगे हम सीरीज पे, लीनियर 1 से 10 तक चाहिए लीनियर में। अभी हम कॉलम सिलेक्ट कर रखा है तो कॉलम में की तरफ बढ़ेगा। स्टेप वैल्यू जो रहेगी 1 रहेगी, स्टॉप वैल्यू जो रहेगी, मैं 10 पे स्टॉप करना चाहता हूं, 10 तक ही करे,
ये जो हमारा एक है ये कितनी बार इंक्रीमेंट होगा, जैसे मैं तो दिखाता हूँ 10 तक भर दिया इसने, अगर मैं यहाँ 2 डालूं और 20 पे स्टॉप करूं, या कितने पे भी स्टॉप वैल्यू मेरी जो होगी, जो मेरी लास्ट वैल्यू होगी जो मैं लास्ट देना चाहता हूँ। अब इसने एक के बाद दो दो छोड़ के दो दो का इंक्रीमेंट कर दिया। अगर आपको रोज में करना है, मतलब कुछ इस तरह से करना है, तो आपको वहां रोज सिलेक्ट करना पड़ेगा। रोज अगर आपने पहले सिलेक्ट कर रखा है तो ये सिलेक्टेड दिखाता है। ठीक है जी, अब चलते हैं ग्रोथ की ओर। ग्रोथ देखते हैं क्या करता है। ग्रोथ में मैं जो है स्टेप वैल्यू मैंने कहा 2, ये क्या कर रहा है हमारा, एक को पहले 2 से गुणा किया, मल्टीप्लाई किया, 2 को फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको फिर मल्टीप्लाई किया 2 से, इसको फिर मल्टीप्लाई किया 2 से, तो ये इस तरह से हमारा बढ़ता जा रहा है। इसमें भी स्टॉप वैल्यू दे सकते हैं हम जितना हम चाहें। डेट, डेट में इसका अच्छा खासा यूज है। अब जैसे मैंने एक डाल दी डेट इसमें 1 जनवरी 2013, सीरीज में गया डेट। कितने कितने दिन में इंक्रीमेंट करना चाहता हूँ, जैसे मैं 5 दिन का, तो 5 5 दिन का गैप मुझे दिखाने लगा, 1 से 6, 6 से 11, 5 5 दिन का गैप दिखाने लगा। दूसरी मेरे पास की मैंने वीक डे, इसमें ये हमारे संडे और सैटरडे छोड़ देगा, 1 2 3 4 5 6 नहीं लिखा है इसने, सैटरडे संडे छोड़ देगा इसमें। मंथ, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ईयर, ईयर चेंज कर देगा। ठीक है जी, ऑटोफिल अपने आप जो उसके जो नॉर्मल हमारा फिल फंक्शन काम करता है वही करेगा। अब ये देखते हैं कि इसके अंदर ऑटोफिल करता है क्या। ऑटोफिल इसके अंदर आपको ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट लगा के दे देगा। अब देखते हैं क्लियर क्या करता है हमारा। यहाँ पे मेरा कुछ डेटा है, इस तरह से। अब मुझे इसकी जैसे कहीं बोल्ड है, कहीं मैंने फॉन्ट साइज बढ़ा रखा है, वही सब मुझे इसकी फॉर्मेटिंग क्लियर करनी है। यहाँ पे क्लियर ऑल करते ही ये सारा का सारा डिलीट हो जाएगा, वैल्यू भी और फॉर्मेटिंग भी जो भी सिलेक्टेड होगा। क्लियर फॉर्मेट्स में फॉर्मेट क्लियर कर देगा। क्लियर कंटेंट में कंटेंट क्लियर कर देगा, हमारा फॉर्मेट रह जाएंगे, कंटेंट क्लियर कर देगा, जो भी अंदर डेटा होगा वो क्लियर कर देगा। और यहाँ अगर कोई कमेंट पड़ा है तो ये क्लियर में क्लियर कमेंट, कमेंट डिलीट कर देगा। ये क्लियर का यूज है हमारा। कई बार क्या होता है हमारे पास ऐसे
डेटा हमें ज्यादा वैसे चाहिए नहीं होता। अभी इसमें ये मेरा डेट में दिखा रहा है, मैंने तो वन डाला है पर ये डेट में दिखा रहा है। फॉर्मेट मैंने क्लियर कर दिया इसमें, तो ये मेरा एक्चुअल उसमें आ गया। क्लियर में जाके फॉर्मेट क्लियर, ठीक है जी। इसका मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, कई बार हमें डेटा को वी लुकअप वगैरह से या किसी और फंक्शन से कॉल करना होता है, तो उसमें कई बार फॉर्मेट इस तरह के फॉर्मेट गड़बड़ कर देते हैं, या टेक्स्ट फॉर्मेट होता है। तो सारे फॉर्मेट क्लियर करने के लिए हम फॉर्मेट क्लियर में जाके फॉर्मेट का यूज़ करते हैं, जिसका शॉर्टकट है आल्ट ई ए एफ। बाकी आप शॉर्टकट यहां से भी देख सकते हैं, आल्ट एच ई एफ, ये भी सेम काम करते हैं।